महा कार्टून टीवी। शॉपिंग झोपड़ी। सीमापुर में शुभम अपनी माँ बादामी और पिता गोपाल के साथ रहा करता था। सलोनी नाम की एक औरत कई साल पहले शुभम के बगल वाले झोपड़े में रहा करती थी। सलोनी ने गरीबी के कारण आत्महत्या कर ली थी। सलोनी की मौत के कई साल बाद तक भी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ था जिससे कुछ अजीब लगे, लेकिन उस झोपड़ी में पिछले कई महीनों से पहले शुरू हुए कुछ अजीबोगरीब हादसे लोगों को परेशान कर रहे थे। हर रात वहां से खौफनाक आवाजें आया करती, साथ ही झोपड़े के बाहर कभी कभी खून से लिखे पन्ने पड़े दिखाई देते, जिस पर लिखा होता था कि मेरे गांव को छोड़कर चले जाओ। अरे भाई साहब, इस चुड़ैल का कुछ तो करो वरना ये हम सबको मार डालेगी। हम सभी ने तो हर जादू टोना इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन ये चुड़ैल है कि यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही। पर कोई तो समाधान निकालना ही पड़ेगा ना। पूरी रात मैं और मेरी पत्नी इसी डर में रहते हैं कि कहीं ये अपने झोपड़ी से निकलकर हमारे पास ना आ जाए। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन भाई साहब आप ही बताओ, हम कर भी क्या सकते हैं? देखिए भाई साहब, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे घर में भी तो एक बच्चा है, और आपके बारे में सोचिए, आपके घर में तो दो बच्चे हैं। यहाँ सभी के परिवार में कोई ना कोई मासूम नन्ही जान रहती है, हमें उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। सभी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पुष्पक नाम का एक आदमी आया। पुष्पक का कोई बच्चा नहीं था। कई सालों के प्रयास के बाद भी उसे और उसकी पत्नी सीमा को अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। पुष्पक को बच्चों से बहुत ही प्यार था, इसीलिए वो गांव के हर एक बच्चे को अपना बच्चा मानता था। बच्चे भी पुष्पक को बहुत पसंद करते थे और उसे चाचा चाचा कहकर बुलाते थे। समस्या तो गंभीर है, हमें अपनी फिक्र तो नहीं, लेकिन बच्चे तो मासूम हैं, वो इस परेशानी से कैसे बचेंगे? हमें कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। चाचा जी, आप घबराइए मत, हम सब मिलकर इस परेशानी से लड़ेंगे। हमें मालूम है कि आप सब बहुत ही होशियार हैं, लेकिन ये काम बड़ों का है, आप सबका नहीं। तो क्या हुआ, हम भी तो अब बड़े हो गए हैं। हाँ हाँ, बहुत बड़े, लेकिन ये काम हमारा ही है, तुम बस अपनी पढ़ाई और खेलने पे ध्यान दो, ठीक है? मैंने हरिद्वार के एक बाबा मुनीश के बारे में सुना है, क्यों ना हम उनसे जाकर अपनी समस्या के बारे में पूछें? हरिद्वार? पर वो तो बहुत दूर पड़ेगा। तो ठीक है, मैं अकेले ही जाकर उनसे बात करता हूँ। ऐसा कहकर पुष्पक उसी दिन हरिद्वार के लिए निकल गया। लेकिन उसी शाम कुछ ऐसा घटा जिससे सबके होश उड़ गए। हाय राम, ये क्या हो गया, कोई तो मेरी मदद करो। मेरा बच्चा। क्या हुआ बहन, क्या हुआ? मेरा बच्चा कई घंटों से गायब है। उसके दोस्तों से पूछने पर पता चला कि वो खेलते खेलते किसी भयानक कुटिया में चला गया। ये बात सुनकर सभी डर गए। अब तो बात बद से बदतर होती जा रही थी। सबने अपने अपने बच्चों को एक एक करके घर में ही रखना सही समझा। धीरे धीरे करके गांव के सारे बच्चे चोरी होने लगे। तीन दिन में तकरीबन गांव से 12 बच्चे गायब हो चुके थे। जब पुष्पक चाचा वहां आए तो ये सब जानकर उन्हें बहुत ही बड़ा धक्का लगा। वहीं पुष्पक को वहां देखकर गांव वालों को एक उम्मीद जगी और सभी उसके बोलने का इंतजार करने लगे। मुझे बाबा ने कुछ चीजें बताई हैं, कोशिश करूंगा कि उन्हें इस्तेमाल करके उस चुड़ैल को समाप्त कर पाऊं। बाबा ने पुष्पक को कुछ मंत्र दिए थे
जिसके इस्तेमाल से वो उस चुड़ैल से बात कर सकता था। इसके बाद बिना समय गवाए उसी रात पुष्पक उस कुटिया में चला गया और सभी गांव वाले उसका बाहर इंतजार करने लगे। रात काफी हो चुकी थी और समय भी काफी हो गया था, लेकिन पुष्पक बाहर नहीं आया। लेकिन अचानक ये नजारा देखकर सभी काफी डर गए। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हमें आज रात ही सारे बच्चों को यहाँ से कहीं दूर भेजना होगा, वरना ये चुड़ैल सभी बच्चों को मार डालेगी। पुष्पक के मुंह से ये बात सुनकर सभी खौफ में आ गए। पुष्पक ने बताया कि वो चुड़ैल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, वो गांव के हर व्यक्ति से नाराज है। उसका कहना है कि वो गरीबी से मरती रही लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अब वो इस बात का बदला गांव के हर शख्स से लेना चाहती है। हमें कैसे भी करके सभी बच्चों को यहाँ से कहीं और भेजना होगा। सभी गांव वाले बच्चों को दूसरे गांव में भेजने की तैयारी करने लगे। सभी को घबराया हुआ देख सीमा वहां आ गई। अब देखिए बहन जी, आप घबराइए मत। आप एक काम कीजिए, सभी को आप मेरी मासी के घर भेज दीजिए। उनका काफी बड़ा घर है जहाँ सारे बच्चे आराम से भी रह पाएंगे। हाँ, ऐसा ही कीजिए। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन मासी के घर इन बच्चों को लेकर कौन जाएगा? मैं ले जाऊंगी। ठीक है, गोपाल जी आप एक काम कीजिए, आप इनके साथ जाइए। नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगी। आप सब मिलकर उस चुड़ैल से लड़िए। चाचा जी, मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहीं रहूंगा आपके साथ। शुभम वहां जाने के लिए मना करने लगा, जिसके बाद पुष्पक ने सीमा को बाकी बच्चों के साथ जाने के लिए कहा। सीमा वहां से बैलगाड़ी पर निकल गई। सीमा के जाने के बाद वहां चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा था, जिसके बाद पुष्पक चाचा ने कहा, शुभम तुम्हें जो काम बोला था वो करने का समय आ गया है, जाओ जल्दी से पता लगाओ। ये देखकर गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे पुष्पक ने किसी तरह का कोई जाल बिछाया हुआ था। थोड़ी देर के बाद शुभम वहां से भागता हुआ आया। उसने धीरे से पुष्पक चाचा के कान में कुछ कहा, जिसके बाद पुष्पक ने सभी को अपने साथ आने के लिए कहा। सभी पुष्पक के पीछे जाने लगे और चलते चलते जंगल की तरफ पहुंच गए, जहां एक गुफा से रोशनी आ रही थी। पुष्पक ने सभी को अंदर चलने के लिए कहा, जहां जाकर सभी ने जो देखा वो देखकर सभी के होश उड़ गए। अपने सामने का नजारा देख सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई कि तभी सीमा ने सभी को अपने सामने देखा। पुष्पक तुम? हाँ मैं, मुझे ये नहीं पता था कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। ये सब जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो। अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, अब सबको अपनी सच्चाई बताओ। कौन सी सच्चाई? देखो ये सब वही चुड़ैल कर रही है। हाँ वही है। वहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं आप, वहाँ कोई चुड़ैल नहीं है? लेकिन ये जो चोट आपको लगी थी वो क्या था? और आप हरिद्वार भी तो गए थे। मैं हरिद्वार नहीं, यहीं था। पता तो मुझे बहुत पहले ही चल गया था कि यहाँ कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि ये सब एक इंसान का बिछाया हुआ जाल है। जब मैंने वो खून से लिखे पन्ने देखे तो मैंने उनकी जांच करवाई। जांच के बाद पता चला कि उस पर कोई खून नहीं बल्कि रंगों का इस्तेमाल किया गया है। रंग मतलब इंसानी काम। पुष्पक ने सभी को उस रात की बात बताई। वो अंदर झोपड़ी में तो गया था, लेकिन वहां का ब्योरा करने। वहां उसे रंगों से भरा एक डब्बा, कुछ बिस्किट के पैकेट्स और कोयले रखे मिले। उसे पता चल गया था कि यहां किसी इंसान का आना जाना है।
उसने खुद ही अपने आप को चोटें लगवाई और खुद ही अपने आप को बाहर की तरफ फेंका। तो अब बताओ, ये सब तुम क्यों कर रही थी? वो हमें बच्चे नहीं हो रहे थे, तो एक बाबा के बताने पर मैंने ये सब कुछ किया। मुझे जब उस सलोनी नाम की औरत के बारे में पता चला तो मैंने ही सभी गांव वालों को चुड़ैल बनकर डराने के बारे में सोचा, ताकि मैं सभी बच्चों को अगवा करके उस बाबा को दे सकूं। मैं इन सबको मारने नहीं वाली थी। उस बाबा ने मुझसे कहा था कि वो सभी बच्चों को एक साथ रखकर एक बड़ी पूजा करेगा। अगर वो ऐसा करेगा तो हमें जल्दी ही एक बच्चा होगा। पहली बात ये कि अंधविश्वास है, और दूसरी वो बाबा इन बच्चों को ले जाकर बेचने वाला था। मैंने कल ही उसके बारे में अखबार में पढ़ा। क्या? क्या ये सच है? हाँ, तो जो गलती तुमने की है उसकी माफी तुम्हें पूरे गांव से मांगनी होगी। सीमा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सभी गांव वालों से अपनी गलती की माफी मांगी। साथ ही उसने पहले गायब हुए बच्चों को उनके माँ बाप को वापस लौटा दिया। इसी तरह अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर पुष्पक चाचा ने अपने सभी बच्चों की जान बचाई। उस दिन से गांव में पुष्पक को हर बड़ा और छोटा व्यक्ति पुष्पक चाचा के नाम से बुलाने लगा और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।